राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? तो मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी देखिए, ये संडे का दिन है और मॉर्निंग टाइम है, सुबह के 8 बजे हैं और हमारे काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी है। सुबह से आ जाती है हमारे यहाँ पे धूप। तो देखिए, काउ शेड क्लीन करने लग गई हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने बाहर क्लीन कर लिया है और अभी जाऊँगी मैं काउ शेड के अंदर। तो अंदर जो हमारी गाय और भैंसे हैं उनको बाहर बांधूंगी मैं और उसके बाद होगी अंदर की क्लीनिंग। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइज, और बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो कंप्लीट काउ शेड क्लीनिंग आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और होम क्लीनिंग तो सभी देखते हैं, तो प्लीज़ काउ शेड की क्लीनिंग भी देखिए, क्योंकि ये मेरे रूटीन का एक हिस्सा है। तो अभी देखिए, मैंने सारे के सारे जो गाय और भैंस है उनको बाहर कर दिया है और अभी आ गई हूँ मैं काउ शेड के अंदर। तो अभी करूँगी यहाँ पे क्लीनिंग। हाँ जी, तो गाइज आपने होम क्लीनिंग बहुत देखी होगी, आज मैं आपको काउ शेड क्लीनिंग दिखाऊंगी। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो को इसी टाइम स्किप कर देंगे, क्योंकि होम क्लीनिंग में आपको बहुत कुछ दिखता है, लेकिन आपको काउ शेड क्लीनिंग में कुछ भी नहीं दिखने वाला है गाय के गोबर के अलावा। तो चलिए, आज मैं आपको काउ शेड क्लीनिंग दिखाऊंगी, दिखाती हूँ कितना काम होता है इसमें साफ सफाई का। तो चलिए, ये देखिए, ये झाड़ू नहीं लगाते हमारे काउ शेड में, ये जो एक घास डाली होती है ना उसके है ये डंठल, उससे बनाते हैं ये झाड़ू, इससे इस तरह से साफ किया जाता है। तो चलिए, और ये देखिए कितना सारा गोबर है रात का, बहुत सारा है। इसको ना मैं इकट्ठा करके ही रखूँगी, हमारे गोबर उठाने वाला आएगा अभी बाद में, तो इसको बस मैं इकट्ठा करना है मुझे एक जगह पे ढेर, और साथ में झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी इसको। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अभी लग गई हूँ मैं गोबर को इकट्ठा करने के लिए। तो गोबर इकट्ठा देखिए, फावड़ी से कर रही हूँ मैं गोबर इकट्ठा। और हमारे क्या है कि जो काउ शेड है उसमें नीचे फर्श है, तो इसमें हम ज़्यादातर फावड़ी से ही इकट्ठा करते हैं गोबर, और रेड़ी में भर के ले जाते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे लग गई थी इकट्ठा करने, क्योंकि बहुत सारे पशु हैं मेरे काउ शेड में, तो यहाँ पे गोबर भी बहुत सारा हो जाता है। तो सारा का सारा मैं देखिए इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। तो भाई देखिए, जो बाज़ार में रहते हैं, शहरों में रहते हैं लोग, तो वो तो ज़्यादातर होम क्लीनिंग ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा उसी के ऊपर ध्यान होता है। लेकिन हमारे देखिए, हम गांव में रहते हैं तो हमारे तो भाई काउ शेड भी क्लीन होता है, और इस तरह से हम क्लीन करते हैं काउ शेड को। तो मैं दिखाना चाहती थी कि विलेज में किस तरह से होता है, जो हमारी हिमाचलीज़ की विलेज लाइफ है वो किस तरह से है। तो देखिए, गोबर मैंने सारा का सारा इकट्ठा कर दिया है नीचे को, और अभी देखिए ये जो झाड़ू है ना, तिल्ली वाला, मतलब जो एक घास पत्ती होती है ना, वो उसके डंठलों का बनाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो दूसरा झाड़ू होता है ना उसका ज्ञान करते हैं, मतलब काउ शेड में उसका झाड़ू नहीं लगाते। तो ये देखिए, जो मतलब बारीक बारीक कण होंगे ना बचे हुए गोबर के, तो वो इससे साफ़ हो जाएंगे अच्छे से, और ये सारा का सारा मैं इसमें ही मिक्स कर दूंगी गोबर में। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस वीडियो बनाने में, प्लीज़ वीडियो को ना स्किप आप बिल्कुल मत किया कीजिए, और प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए वीडियो को, और तभी वीडियो आगे जाती है। तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर और भी कोई नहीं देखेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ना, और ये देखिए, ये जो आगे घास होता है ना बचा हुआ, मतलब जूठा छोड़ा होता है पशुओं ने, उसको हम इधर बिछा देते हैं फिर, जो हमने गंदा था ना घास और गोबर हुआ हुआ, वो साइड में कर दिया नीचे को देखिए झाड़ू लगा के। और जो अभी ऊपर से निकलेगा ना जूठा घास, बूर निकलती है जो घास की, वहाँ उसको हम बिछा देते हैं यहीं पर नीचे। तो इससे पता क्या होता है, इससे ना पशुओं को काफ़ी ज़्यादा गर्माहट रहती है। और तूड़ी डाली हुई थी हमने यहाँ पे भैंस को, और एक गाय और है उसको तो तूड़ी डाली हुई थी, तो वो अभी खुरली में उन्होंने काफ़ी बचाई हुई है, खाई नहीं है सारी की सारी। और अभी इस साइड मुझे करना है साफ, इस साइड नहीं किया मैंने अभी। और ये देखिए, जूठा घास होता है ना, जो जूठा घास बचा हुआ है काफ़ी सारा, इसको मैं इकट्ठा करके, और यहाँ पे हमने एक बोरा रखा हुआ है उसमें भी डाल देते हैं हम, और कुछ जो थोड़ा लंबा लंबा होता है उसको बांध के ना एक पुलटा बना लेंगे उसका,
क्योंकि ये पता कब काम आता है हमारे, ये हमारे बरसात के दिनों में काम आता है, क्योंकि बरसात के दिनों में नहीं मिलता है ना सूखा, तो पशुओं के लिए मतलब जो पशुओं को कीचड़ ना लगे ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी देखिए ये सारा मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, और इसको हम बांध के अभी रख देंगे। तो ये काफ़ी काम आ जाता है, जैसे पशुओं को धुआं भी लगाना होता है ना बरसात के दिनों में, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम सूखा घास नहीं मिलता है धुआं लगाने के लिए, तो धुआं लगाने के काम भी आ जाता है, और पशुओं के नीचे बिछाने को भी काम आ जाता है ये। तो इनको फिर नीचे चुभता भी नहीं है, मतलब कंफर्टेबल होता है इनको यहाँ पे बैठना और लेटना पशुओं के लिए भी। तो अपने आराम के लिए तो हमने कितने सारे मैट्रेसेस बिछाए होते हैं ना, लेकिन पशुओं के लिए भी चाहिए होता है। और पुराने टाइम में पता क्या होता था, पुराने टाइम में कच्चे होते थे ना ओबरे, तो कच्चे ओबरों में काफ़ी ज़्यादा बिछौन बिछता था और पशुओं को बहुत ज़्यादा आरामदायक होते थे वो। तो अब क्या है कि अब स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है पशुओं का भी, और सभी ने अब एक दूसरे की देखा देखी में पक्के डाल दिए हैं ओबरे, और इससे ना पशुओं के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब पशु ज़्यादातर जो कच्चा होता है ना उसमें ही खुश रहते हैं। तो जैसे इंसानों को अपने घर की साफ़ सफ़ाई करनी ज़रूरी होती है, वैसे ही पशुओं को भी साफ़ सफ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, और इन्हें भी हमें साफ़ सुथरे माहौल में ही रहना चाहिए। तो अभी देखिए जो जूठा घास था यहाँ का वो भी फेंक दिया और बाहर रख दिया मैंने वो, और अभी यहाँ पे मैं ये कर लेती हूँ झाड़ू का काम पूरा। तो जो इस साइड घास मैंने अभी निकाला था वहाँ पे मैं अभी और झाड़ू लगा दूँगी। तो मुझे ना काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा है कि फुल फेस टाइट कवर करके ही आप काउशेड का बनाइएगा, तो वैसा भी बनाऊँगी मैं एक ब्लॉग। और अभी ये मैंने पहले ही बना के रखा था, तो मैंने सोचा कि जब बनाया हुआ है तो अभी इसको अपलोड कर देती हूँ, तो बाद में फिर से डाल दूँगी मैं। और प्लीज़ आप लोग ना विलेज लाइफ वीडियोस को देखते ही नहीं है ज़्यादा, मतलब बिल्कुल स्किप स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि फिर वीडियो ना आगे नहीं जाती है और फिर आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा यूट्यूब वीडियो को, क्योंकि वॉच टाइम नहीं आएगा ना अगर। तो प्लीज़ थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिए। और बस देखिए अभी जो ये बड़े वाला काउशेड है ना, इसमें मैंने कर लिया था सारा का सारा यहाँ पे काम, तो ये मॉर्निंग में सारा का सारा साफ़ सफ़ाई का काम हो जाता है ना अगर, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, दिन में नहीं होता है फिर इतना ज़्यादा रश काम का। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना साफ़ साफ़, आपको कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन जब मैंने किया था ना साफ़, और जो हमारी खुरली होती है ये आगे पशु को इसमें चारा डालते हैं हम, और ये तो साफ़ ही है। तो अब ये छोटे वाला जो काउशेड है इसको साफ़ करने के लिए भी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, पहले इसको गोबर को इकट्ठा करना पड़ेगा, और थोड़ा यहाँ पर मैं हाथ से भी लग गई थी करने इकट्ठा गोबर को। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चियाँ रहती हैं जो छोटी हैं और कई बड़ी भी हैं ऐसे, तो ये छोटी वाला काउशेड जो है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, गोबर इकट्ठा करके अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी इसमें। तो नीचे मैंने फ्लोर पे गोबर इकट्ठा कर लिया था और झाड़ू भी लगा दिया था। उसके बाद आती है बारी खुरली की, तो देखिए खुरली में भी जो घास हम डालते हैं ना आजकल सूखी घास, उसका काफ़ी सारा जो भूसा होता है वो गिर जाता है नीचे, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। और इसको भी हम काउशेड में ही डाल देते हैं, और एक जो बोरा रखा हुआ है मैंने इसके लिए इकट्ठा करने को वहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हमारे बरसात के दिनों में काम आ जाता है। और इस तरह से इकट्ठा करके रखने से फिर गंदा भी नहीं होता है ज़्यादातर काउशेड, तो काउशेड को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पशु हैं उन्हें भी साफ़ सफाई में ही रखना चाहिए। हाँ जी गाइस, तो देखिए काउशेड जो है वो मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, देखिए वहाँ पे सारे में मैंने झाड़ू लगा दिया है, और जो गोबर है ना वो एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है, और साथ में जो हमारी पशुओं की चारे की खुरलियाँ हैं इनको भी मैंने क्लीन कर दिया है, अच्छे से झाड़ू लगा दिया है इसमें भी। और साथ में जो मेरा दूसरा काउशेड है यहाँ पे देखिए, काफ़ी बड़ा काउशेड है, पहले ना हमारे बहुत सारे पशु होते थे, ये भी सारा कुछ मैंने खुरलियाँ वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है यहाँ पे, ही देख सकते हैं आप, अंधेरे में नहीं दिखेगा आपको ये इतने अच्छे से। और
काउ शेड में मैंने झाड़ू लगा के साफ कर लिया है और जो गोबर है वो एक जगह इकट्ठा कर लिया है और जो बाकी घास की जो ब्रिक ब्रिक होता है ना बिल्कुल बारीक पतला पतला घास होता है उसको हम बिछौन के तौर पे डालते हैं पशुओं के लिए। तो उससे क्या होता है ना आजकल सर्दियाँ हैं तो ये क्योंकि पक्का है जो हमारा काउ शेड है ना नीचे इसमें फर्श है तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पशुओं के लिए और पशुओं को भी बहुत ठंड लगती है तो इसलिए हम नीचे बिछा देते हैं इसको। तो इससे पता क्या होता है इससे पशु जो है वो फिसलते भी नहीं है और साथ में उनकी जो गर्माइश भी होती है उनको इससे ना नीचे से ठंडा नहीं लगता है। तो गाइज आपने होम क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा देखी होगी लेकिन आज मैंने आपको काउ शेड क्लीनिंग दिखाई है और मेरे जो पशु हैं वो सारे के सारे बाहर हैं, देखिए घास खा रहे हैं, अभी यहाँ से लेके उधर तक देखिए बंधे हुए हैं और धूप बहुत अच्छे से आ चुकी है और 9 बजने वाले हैं, बज ही चुके होंगे शायद 9। आज मैंने सोचा कि काउ शेड की पूरी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और चलिए बस आज के ब्लॉग में इतना ही है और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और बाय बाय।